वेलकम फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड ऑल अनदर फील्ड रिलेटेड टू साइंस। फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैड सिलेक्टेड 11th साइंस एंड इन साइंस फील्ड देर आर लॉट ऑफ ब्रांचेज रिलेटेड टू साइंस आर वेटिंग फॉर यू। इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ फिजिक्स today I would like to start with chapter number 2, unit and measurement. Chapter number 2, unit and measurement. Friends, ये chapter fundamentally एक complete unit है। इसके अंदर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नॉर्मली एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं एंड एज फार एज योर फिजिक्स नॉलेज इज कंसर्न दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी यूजफुल एज फार एज 4 मार्क्स ऑफ योर कॉम्पिटिटिव इज कंसर्न। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। कुछ बुक्स में इसका नाम मेजरमेंट एंड यूनिट सिस्टम्स भी लिखा हुआ है। हियर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि हमारे आसपास काफी अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे अभी हम डिस्कस कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में हम कोई भी चीज जब खुली छोड़ देते हैं, खाने की कोई भी चीज जब खुली छोड़ दी जाए तो नॉर्मली सब लोग ऐसा बोलते हैं कि उसका जो टेक्स्चर है वो बिगड़ जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा। तो उसका बेसिक रीजन है कि यहां पर ह्यूमिड हम डिस्कस करते हैं ह्यूमिडिटी। कोई चीज गर्म है या ठंडी है वो अगर मुझे डिस्कस करना है तो दैट इज सेड टू बी, उसके लिए मुझे डिस्कस करना पड़ता है टेम्परेचर। कोई चीज दूर है कि पास में है वो अगर मुझे डिसाइड करना है तो मुझे डिस्कस करना पड़ता है डिस्टेंस। कोई बिल्डिंग कितनी टॉल है या शॉर्ट है वो डिस्कस करना है तो मुझे डिस्कस करना पड़ता है हाइट। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि देर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ इवेंट्स, गर्म ठंडा होना या दूर में पास में होना, दैट काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स आर ऑलवेज टेक्स प्लेस अराउंड अस। दिस इवेंट्स मे बी आइदर नेचुरल और मैन मेड, बट इफ यू वॉन्ट टू स्टडी any kind of natural or man-made events, whatever is required is said to be physical quantities. Friends, again I would like to repeat, for the complete study of any event, for complete study of any event, it may be either man-made or natural. For complete study of any event, either man-made or natural, whatever is required is called as physical quantity. हमारे आसपास जस्ट इतने काफी सारे इवेंट्स होते ही रहते हैं, गर्म होना, ठंडा होना, दूर होना, पास होना, स्पीड में होना या धीरे होना, फास्ट होना या धीरे होना, ये सब बातों को डिस्कस करने के लिए, ये सारे इवेंट्स को डिस्कस करने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है, दे ऑल आर सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हमको फिजिकल क्वांटिटीज का स्टडी करना है, जैसे डिस्टेंस का स्टडी करना है, आपने काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ली हुई है। फिजिकल क्वांटिटी में आप अभी तक टेम्परेचर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, वर्क, एनर्जी, काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए। लेकिन हम सबको पता है कि अगर मुझे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डिटेल में स्टडी करना है तो उसके लिए मुझे उसके स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है।
जैसे डिस्टेंस का स्टडी करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो दे आर सेड टू बी देयर यूनिट्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, दैट इज सेड टू बी इट्स यूनिट। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी इट्स यूनिट। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी इट्स यूनिट। आप सबने अलग अलग काइंड्स ऑफ यूनिट्स का स्टडी किया है। अगर मुझे मास का स्टडी करना है तो मुझे किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, ऐसे अलग अलग यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। अगर मुझे डिस्टेंस का स्टडी करना है तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, ऐसे अलग अलग फिजिक यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब इतना ही है कि द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी इट्स यूनिट। फ्रेंड्स, अगर कोई डिस्टेंस मेजर करने के लिए, जैसे आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप क्रिकेट खेलने जाते हो तब विकेट का जो, दो विकेट के बीच का जो डिस्टेंस है, पिच का डिस्टेंस है, वो पिच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए नॉर्मली हम ऐसे फुट से पर्टिकुलर डिस्टेंस, ऐसे गुजराती में बोलने जाओ तो 22 पगला, 22 पगले जितना डिस्टेंस वहां पर मेजर करके हम वहां पर पर्टिकुलरली दो पिच की लेंथ डिसाइड करते हैं। लेकिन इट इज नॉट सेड टू बी स्टैंडर्ड मेजरमेंट, बिकॉज वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट इसलिए नहीं है, कोई आदमी लंबा होगा तो ऑब्वियस है कि उसके दोनों पांव के बीच का डिस्टेंस कुछ अलग होगा, कोई शॉर्ट आदमी होगा तो उसके दोनों पांव के बीच का डिस्टेंस भी कम आएगा, तो दैट इज नॉट सेड टू बी स्टैंडर्ड मेजरमेंट। सो फंडामेंटली व्हाट आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर, द स्टैंडर्ड मेजरमेंट किलोमीटर, मीटर, सेकंड, आवर, ये सब स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। तो फंडामेंटली वी कैन से दैट द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी इट्स यूनिट। अब एक्चुअली पहले के जमाने में इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन फास्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास अच्छे इंजन, अच्छे डीजल, अच्छे व्हीकल्स नहीं थे। मैं 100-150-200 साल पुरानी बात कर रहा हूं। उस टाइम पर प्रॉब्लम ये होता था कि ट्रांसपोर्टेशन फास्ट नहीं होने की वजह से जो भी प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कोई भी, वो प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ज्यादा देर लगती थी, और बहुत ज्यादा देर लगने की वजह से प्रॉब्लम ये आता था कि काफी सारी चीजें सिर्फ लोकल मार्केट में ही बेची जा सकती थी, और काफी सारी चीजें सिर्फ लोकल मार्केट में बिकती थी। इसी रीजन की वजह से हर एक लोकल मार्केट के अपने अपने स्पेशल यूनिट्स होते थे। जैसे आज भी आप सब्जी मंडी में, वेजिटेबल मार्केट में, मार्केट में कुछ भी वेजिटेबल्स परचेस करने जाओगे तो आज भी वहां पर शेर, पाव जैसे लोकल यूनिट्स का यूज होता है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इन शॉर्ट, हर एक लोकल मार्केट अपने अपने तरीके से यूनिट्स को कंडक्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन, अच्छे अच्छे व्हीकल्स अवेलेबल होने लगे, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होने लगा, वैसे वैसे सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में जाने लगे। जैसे अभी आप अगर एम्स्टर्डम में बैठे हो या साउथ अफ्रीका में बैठे हो और आपको गर्मी की सीजन में इंडियन मैंगोज या रत्नागिरी आफूस मैंगो खाना है तो वहां पर भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। हम यहाँ पर चाइना या यूरोपियन कंट्रीज से आए हुए काफी सारे फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, जैसे कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, ये सब इंडियन प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी हम सीजन में वो प्रोडक्ट्स को, वो फ्रूट्स को इजीली एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट हो गया है। जो चीज इंटरनेशनल मार्केट में होती है वो विद इन आवर इंडिया में पहुंच जाती है, और इंडिया में भी ट्रक्स और ये सब ट्रांसपोर्टेशन से इजीली वो हर एक आम आदमी तक पहुंच सकती।
सो जस्ट आई वुड लाइक टू से दैट अब जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होने की वजह से जो भी कारोबार है, जो भी कोई भी चीज बेचने या लेने की प्रोसेस होती है वो ग्लोबली हो गई है। तो ऐसे केस में हमारे पास अगर लोकल यूनिट्स है तो उसका कोई काम नहीं है। तो ऐसे केस में IUPAC एंड फ्रेंच एकेडमी नाम के इंस्टीट्यूट्स ने कुछ यूनिट्स से रिलेटेड नॉर्म्स एंड कंडीशंस बनाए। इंटरनेशनली ये नॉर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए हमको जो भी यूनिट सिलेक्ट करना है वो यूनिट सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि ये नॉर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो बेटा कोई भी जगह पर अगर आपको यूनिट सिलेक्ट करना है तो यूनिट सिलेक्ट करने से रिलेटेड हमारे पास हाउ द यूनिट शुड बी रिलेटेड कुछ नॉर्म्स एंड कंडीशन है। 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है हाउ द यूनिट शुड बी। कोई भी कंट्री, कोई भी रीजन अगर कोई भी यूनिट को सिलेक्ट करता है तो ये यूनिट कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड ये डिस्कशन है हाउ द यूनिट शुड बी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो द यूनिट मस्ट बी क्लियर, यूनिट मस्ट बी क्लियर। कोई भी यूनिट की जो वैल्यू डिसाइड होती है वो वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम सबको पता है कि अलग अलग साइंटिस्ट की दिल में एक ऐसी ड्रीम होता है कि वो मर जाए फिर भी उसको पूरी दुनिया जिंदगी भर याद रखे, और इसी रीजन की वजह से हर एक साइंटिस्ट अपने नाम के ऊपर कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करके उसके ऊपर अपना यूनिट दे देता है, अपना नाम दे देता है। जैसे आप सबको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है कूलम, इट इज बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट नेम्ड एज चार्ल्स ऑगस्टियन कूलम। सिमिलरली हमको पता है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट इलेक्ट्रिक सॉरी फोर्स का यूनिट न्यूटन, वर्क का यूनिट जूल, इवन पावर का यूनिट वॉट। ये सारे के सारे जो यूनिट्स है ये सारे के सारे यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम पर है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि वहां इसी तरीके से कंसीडर करो कि मुझे भी एक डिस्टेंस का एक नया यूनिट डिफाइन करना है, और डिस्टेंस का मैंने एक नया यूनिट डिफाइन कर दिया दीपक, एक दीपक। जैसे एक मीटर होता है, एक किलोमीटर होता है, ऐसे ही मैंने अपने नाम पर अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है उसको नाम दे दिया दीपक। तो ये जो दीपक नाम का यूनिट है ये यूनिट का मुझे मीटर और किलोमीटर के साथ कन्वर्जन चाहिए। ये कन्वर्जन अगर क्लियर नहीं है तो ऐसे टाइप के यूनिट को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इट मींस दैट द यूनिट मस्ट बी क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा पॉइंट है द यूनिट मस्ट बी परमानेंट एंड इफ एनी इवेंट इज प्रेजेंट देन सच इवेंट ऑल्सो मस्ट बी परमानेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर आप कोई भी यूनिट को डिफाइन करते हो तो वो यूनिट से एसोसिएटेड कोई ना कोई फिजिकल इवेंट होनी जरूरी है। जैसे हम सबको पता है कि हमारे पास टाइम को मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसका नाम है यर। यर इज यूनिट टू मेजर टाइम। अगर टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास यर नाम का यूनिट है तो उससे रिलेटेड हमारे पास कोई फिजिकल इवेंट अवेलेबल है? हाँ है। हम सबको पता है कि अर्थ सन के आसपास एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेती है वो टाइम को जनरली हम वन यूनिट वन ईयर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम को वन ईयर को डिफाइन करने वाली ये जो फिजिकल इवेंट है
ये इवेंट परमानेंट है, कभी भी सन ऐसा थक जाती है तो नहीं बोलती है कि इस बार जरा थोड़ा ज्यादा टाइम लेना है, या इस बार मेरे पास एनर्जी ज्यादा है तो मैं कम टाइम में ही पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करूं। हम सबको पता है कि वन ईयर का जो टाइम अर्थ को लगता है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है, इसीलिए वन ईयर को एज अ यूनिट एक्सेप्ट किया गया है। कहने का मतलब इतना ही है कि द यूनिट मस्ट बी परमानेंट, एंड इफ एनी इवेंट फिजिकल इवेंट इज प्रेजेंट ओवर देयर देन दैट इवेंट इज ऑल्सो शुड बी परमानेंट। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट, हम सबको पता है जैसे अगर कोई स्क्रैप का व्यापारी है, जो कंसीडर करो कि स्टीमर्स और वो सब तोड़ने का काम करता है, और उसमें से जो स्क्रैप निकलता है उसको खरीदता भी है और बेचता भी है, अगर वो स्क्रैप खरीदता है बेचता है तो ऐसे केस में उसके लिए मास को मेजर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो या तो क्विंटल या टन होगा, उसके लिए ग्राम या मिलीग्राम का यूनिट इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ग्राम और मिलीग्राम को तो कभी कंसीडर भी नहीं करता होगा। बट इसके कंपैरिजन में कोई ज्वेलर्स है और वो गोल्ड या सिल्वर से रिलेटेड ऑर्नामेंट्स बेच रहा है या खरीद रहा है, तो उसके लिए ग्राम मिलीग्राम इम्पोर्टेंट होगा, उसके लिए क्विंटल और किलोग्राम या टन कोई मैटर ही नहीं करेगा। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जब भी आप कोई यूनिट को डिफाइन करते हो तो उसके साथ उसके बड़े वैल्यूज के और छोटी वैल्यूज के यूनिट्स भी अवेलेबल होने चाहिए। इन शॉर्ट दिस काइंड ऑफ बड़े या छोटे यूनिट्स इज सेड टू बी इट्स रेप्लिका। मेन यूनिट की ये सब रेप्लिकाज है। तो फंडामेंटली वी कैन से दैट हाउ द यूनिट शुड बी, में तीसरा पॉइंट है द रेप्लिका ऑफ एनी यूनिट, रेप्लिका और इट्स मे बी सेड टू बी प्रोटोटाइप, रेप्लिका और इट मे बी सेड टू बी प्रोटोटाइप, द रेप्लिका ऑफ यूनिट शुड बी इजीली प्रिपेयर्ड, इजीली प्रिपेयर्ड एज वेल एज इजीली अवेलेबल। सो दीज आर द फंडामेंटल रूल्स और फंडामेंटल पॉइंट्स कि भाई आप अपने हिसाब से कोई भी नया यूनिट डिसाइड कर सकते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिसाइड कर सकते हो। ये यूनिट को डिसाइड करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन फ्रेंच एकेडमी के अंदर करवाना जरूरी है। बट रजिस्ट्रेशन करवाते हो ये तीन नॉर्म्स को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाता है कि ये तीन नॉर्म्स वहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये तीन नॉर्म्स वहां पर इजीली सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो यूनिट को, वो फिजिकल क्वांटिटी को, यूनिट को यहाँ पर वहां पर इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग हाउ द यूनिट शुड बी। और ये पर्टिकुलर जो नॉर्म्स है उसको एक्सेप्ट करते हुए अलग अलग टाइप की अलग अलग यूनिट सिस्टम्स इंटरनेशनली ग्लोबली एग्जिस्ट कर रही है। वो अलग अलग यूनिट सिस्टम कौन सी है, तो फ्रेंड्स सबसे पहली यूनिट सिस्टम है जिसका नाम है एमकेएस यूनिट सिस्टम। एमकेएस यूनिट सिस्टम के अंदर लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड एक्सेप्ट किया गया है। दूसरी है जिसका नाम है सीजीएस सिस्टम। CGS के अंदर लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड एक्सेप्ट किया गया है। जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे नई नई फिजिकल क्वांटिटीज डेवलप होती गई, नई नई फिजिकल क्वांटिटीज डेवलप होती गई तो उससे रिलेटेड नए नए यूनिट्स को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो कहने का मतलब इतना ही है कि MKS सिस्टम के बाद एग्जिस्टेंस आया MKSA सिस्टम का, जिसके अंदर लेंथ का यूनिट मीटर था, मास का यूनिट किलोग्राम था, टाइम का यूनिट सेकंड है और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एंड एम्पियर। फोर्थ इज सेड टू बी FPS। आज भी मेडिकल फील्ड में या तो फिर ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड के अंदर
आज भी FPS सिस्टम का यूज होता है। अगर आप कहीं जिम जाते हो तो अच्छे क्वालिटी के जिम के अंदर नॉर्मली सारे वेट्स पाउंड में होते हैं, वहां पर किलोग्राम में नहीं होते हैं। इवन अगर हम किसी आदमी की हाइट को मेजर करते हैं तो नॉर्मली फुट पे मेजर करते हैं, कभी भी उसको मीटर या सेंटीमीटर में अलग अलग फील्ड में यूज किया जाता है, बट ग्रेट ब्रिटेन मेडिकल फील्ड और पर्टिकुलरली यूके कंट्री के अंदर सिर्फ FPS सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर लेंथ का यूनिट सिलेक्ट किया गया है फुट, मास का यूनिट है पाउंड और टाइम का यूनिट है सेकंड। सो फुट, पाउंड और सेकंड जिसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे टाइप के यूनिट सिस्टम को बोला जाता है FPS यूनिट सिस्टम। FPS यूनिट सिस्टम के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपको जितने भी यूनिट्स यूज करने हैं वो सारे के सारे ये सिस्टम में से सिलेक्ट किए गए, एंड दिस सिस्टम इज सेड टू बी SI सिस्टम। SI सिस्टम का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ये सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है, अगर आपको इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो कंपलसरी SI सिस्टम के यूनिट्स का ही यूज करना पड़ता है। SI यूनिट सिस्टम को यूज करने के लिए उसके अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड किया गया है। 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है? फर्स्ट है लेंथ या डिस्टेंस। लेंथ का यूनिट सिलेक्ट किया गया है मीटर और उसका सिंबल भी सिलेक्ट किया गया, विच इज इक्वल टू स्मॉल m। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है मास। मास का यूनिट सिलेक्ट किया गया है किलोग्राम और उसका सिंबल है kg, स्मॉल kg। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। टाइम का यूनिट सिलेक्ट किया गया है सेकंड और उसका सिंबल है s। चौथी फिजिकल क्वांटिटी सिलेक्ट की गई है, दैट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट सिलेक्ट किया गया है एन एम्पियर और उसका सिंबल है कैपिटल ए। फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मीन्स जब भी हमको टेम्परेचर का स्टडी करना होगा तो टेम्परेचर का स्टडी करते वक्त हम केल्विन नाम के यूनिट को यूज करेंगे। डिग्री सेल्सियस जो आप अभी तक यूज करते आए हो उसका यूज नहीं करना है। केल्विन टेम्परेचर, केल्विन में मेजर किए हुए टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड जो यूनिट है उसका नाम है केल्विन। सिक्स फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी बल्क ऑफ मैटर। माइंड वेल, मास एंड बल्क ऑफ मैटर ये दोनों अलग होता है। मास एंड बल्क ऑफ मैटर अलग अलग चीज होती है। बल्क ऑफ मैटर मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास यूनिट है मोल, और मोल से रिलेटेड सिंबल है स्मॉल MOL। सेवेंथ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फ्रेंड्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं हमको लाइट की क्वांटिटी मेजर करने की जरूरत पड़ती है। लाइट सफिशियंट है या लाइट सफिशियंट नहीं है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ज्यादा है या कम है, ये फिजिकल इवेंट का अगर मुझे स्टडी करना है तो ऐसे केस में मुझे फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है जिसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसका नाम है कैंडेला और उसका सिंबल है CD। तो यहां पर SI यूनिट सिस्टम के अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड किया गया है और ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स भी डिफाइन किए गए हैं एज वेल एज उनके सिंबल भी है। फ्रेंड, ये जो यूनिट्स हमने डिसाइड किए, ये यूनिट्स के सिंबल को यूज करने के लिए भी नॉर्म्स एंड कंडीशन SI सिस्टम ने बनाए हैं। तो इसके नॉर्म्स एंड कंडीशन क्या है? नॉर्म्स, प्रैक्टिकल नॉर्म्स टू यूज सिंबल ऑफ SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम के सिंबल्स को यूज करने के नॉर्म्स क्या है? तो पहला नॉर्म, यूनिट मस्ट बी यूज
इन इट्स ओरिजिनल सिंबल डिसाइडेड बाय एसआई सिस्टम, ओरिजिनल सिंबल डिसाइडेड बाय एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम ने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो सिंबल है, यूनिट का जो सिंबल है, जो डिसाइड किया है, वही हमको यूज करना है। जैसे एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए फर्स्ट एबीसीडी के अंदर सिलेक्ट किया गया है, तो कोई स्टूडेंट एम्पियर का यूनिट इस तरीके से कैपिटल ए थर्ड एबीसीडी में नहीं लिख सकता। कंपल्सरी उसको यही, बिकॉज दीज आर नॉट लेटर्स, दीज आर सिंबल्स सिलेक्टेड बाय एसआई यूनिट सिस्टम, इसलिए आप कोई भी यूनिट के सिंबल को अपने तरीके से चेंज नहीं कर सकते। कंपलसरी उसका जो सिंबल डिसाइड किया गया है वही हमको यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट यूनिट मस्ट बी यूज इन इट्स ओरिजिनल सिंबल। दूसरा, यूनिट के बीच में या एंड पर कहीं पर भी आप फुल स्टॉप या कॉमा जैसा साइन यूज नहीं कर सकते। एनी काइंड ऑफ साइंस लाइक फुल स्टॉप और कॉमा कैन नॉट बी प्लेस्ड आइदर बिटवीन और एट द एंड ऑफ सिंबल। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से समझो, काफी सारे बच्चे ये पर्टिकुलर पॉइंट को मिस आउट कर देते हैं। बेटा हम सबको पता है कि अगर कोई चीज की क्वांटिटी प्लूरल फॉर्म में है तो हम ऑलवेज उसके पीछे एस या ईएस लगाते हैं। जैसे वन है तो मैंगो, लेकिन फाइव है तो मैंगोज। सिमिलरली यहां पर भी याद रखना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भले प्लूरल है, लेकिन हमको उसका यूनिट तो सिंगुलर ही लिखना है। इट इज नॉट सेड टू बी 5 meters, 1 meter, 5 meter, 100 seconds, नो, एस या ईएस नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ हमको उसको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना है। इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज 100 meter, 100 second, 25 hour। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि ऑल यूनिट्स इफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज प्लूरल, देन ऑल्सो इट्स यूनिट मस्ट बी सिंगुलर। और चौथा पॉइंट, फ्रेंड्स हम सबको पता है कि काफी सारे यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है। अगर मैं लिखता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 newton जितना फोर्स लग रहा है, तो ऐसे केस में अगर किसी को पूरा नाम लिखना है ऑल लेटर्स, तो ऐसे केस में कंपलसरी 5 newton ऐसे स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए। अगर किसी को इनिशियल लिखना है तो ऐसा लिखना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट 5 newton ऐसे लिख के आता है तो इट इज रॉन्ग, बिकॉज ये न्यूटन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंग्लिश, यू ऑल वेरी वेल नो दैट जब भी किसी का नाम लिखना हो तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल एन लिखते हैं। तो अगर मैं ऐसा 5 newton लिख के आता हूं तो इसका मतलब तो ये होगा कि वो पुराने जमाने में जो सफेद बालों वाला, घुंघराले बालों वाला न्यूटन था, ये 5 newton है। हमको ये 5 newton नहीं चाहिए, हमको तो यूनिट वाला न्यूटन चाहिए। इसका मतलब अगर आपको कहीं पर भी यूनिट लिखना है और एंड इफ यूनिट इज बेस्ड ऑन नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट, देन व्हाट शुड यू हैव टू डू। तो कोई भी साइंटिस्ट के नाम पर जब यूनिट होता है और आपको अगर पूरा नाम लिखना है तो ऑल लेटर शुड बी स्मॉल, और इनिशियल लिखना है तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। तो यहां पर इफ बेस्ड ऑन फॉर फुल नेम ऑल लेटर्स शुड बी स्मॉल, और अगर इनिशियल लिखना है देन फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल।
अगर कहीं पर मुझे ऐसा लिखना है कि मुझे ये ऑब्जेक्ट को 5 जूल एनर्जी देनी है, तो 5 जूल एनर्जी अगर मैं ऐसे लिख के आता हूं तो दिस इज रॉन्ग। कंपल्सरी यू हैव टू मेंशन 5 जूल और 5 जूल लाइक दिस वे। सो फंडामेंटली वी कैन से दैट अगर कहीं पर भी किसी भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस्ड है और आपको अगर फुल नेम लिखना है तो ऑल द लेटर शुड बी स्मॉल, और अगर इनिशियल लिखना है तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। देन फिफ्थ पॉइंट रिगार्डिंग दैट वी हैव टू फॉलो दिस रूल दैट द यूनिट मस्ट बी रिप्रेजेंट इन सिंगल रेशियो ओनली, सिंगल रेशियो ओनली। इसका मतलब क्या, जैसे हमको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इस तरीके से आप दो रेशियो के फॉर्म में कभी भी उसके यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द यूनिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सिंगल रेशियो ओनली। इट मींस दैट यू हैव टू फॉलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू कैन रिप्रेजेंट एज मीटर इनटू सेकंड रेस टू माइनस टू आल्सो। सो दीज आर द फंडामेंटल नॉर्म्स टू यूज सिंबल ऑफ एनी एसआई यूनिट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।